Hello dear students, welcome back. In the previous video, we understand that how multiplication table formed using two numbers. Now, today we will continue at this chapter, chapter number 11. Page number 123. How many cats? Question is how many cats? Kitni cats hain? Theek hai? Some of Gayatri's cats were playing in the box. When she tried to count, all she could see were legs. She counted 28 legs. How many cats are there in the box? जो गायत्री है ना उसके पास कुछ cats हैं, ठीक है? तो ये जो cats है ना वो खेल रही थी, तो खेलते खेलते वो box में चले गई. तो गायत्री ने सोचा कि चल मैं cat को count करती हूँ कितनी cats हैं. तो जैसे ही उसने cat count करना शुरू किया, but cat तो दिखी नहीं रही है. तो जो केट है उनके लेग्स मीन्स उनके पांव दिख रहे हैं सिर्फ. देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है ना, सिर्फ केट के जो लेग्स है वहीं दिख रहे हैं. तो गायत्री ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी. तो काउंटिंग हुआ 28 लेग्स. सी काउंटेड 28 लेग्स. तो हमें बताना है हाउ मेनी केट्स आर देयर इन दी बॉक्स. बॉक्स के अंदर कितनी केट हैं. स्टूडेंट्स आपको तो पता ही होगा कि वन केट के कितने लेग्स होते हैं. वन केट इक्वल्स टू फोर लेग्स. एट लेग्स मीन टू कैट्स. ट्वेल्व लेग्स मीन डैश कैट्स. तो स्टूडेंट्स ये जो गायत्री है ना उसको इतना पता है कि एट लेग्स दिख रहे हैं तो मीन्स टू कैट्स होंगी, बट ट्वेल्व लेग्स मीन्स डैश कैट. तो यहाँ पे वो जैसे जैसे लेग्स बढ़ते जा रहे हैं वो कंफ्यूज होती जा रही है. चलिए हम इसकी कंफ्यूजन सॉल्व करें. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी लेग्स हाउ मैनी कैट्स. ठीक है चलिए हम इसमें सॉल्व करते हैं. हाउ मैनी कैट्स? वन कैट्स. तो वन कैट है तो लेग्स होंगे फोर. टू कैट्स तो लेग होंगे एट. या भी क्या आएगा यहाँ पे थ्री. थ्री कैट्स मीन्स ट्वेल्व लेग्स. देखिए एक कैट है उसके फोर लेग्स है, मीन्स यहाँ पे हम जो फोर का टेबल है मल्टीप्लिकेशन टेबल फोर है उसको भी यहाँ पे हम कंटिन्यू करके कर सकते हैं. ठीक है तो यहाँ पे फोर केट सिक्सटीन लेग्स. फाइव केट्स ट्वेंटी लेग्स. सिक्स केट्स ट्वेंटी फोर लेग्स. सेवन केट्स ट्वेंटी एट लेग्स है ना. तो हमें कितने चाहिए? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी काउंटेड 28 लेग्स. 28 लेग्स उसने काउंट किए थे. ठीक है तो 28 लेग्स तो हमने भी यहाँ पे लिख लिए. तो कैट्स कितनी होंगी? सेवन. ओके सो 28 लेग्स मीन डैश कैट्स. कितनी कैट्स हुई? सेवन कैट्स. ओके स्टूडेंट्स सी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन इज बिल्लो हैज कैप्ट हिज चिकन्स इन अ बॉक्स. बिल्लो ने चिकन को बॉक्स में रखना है. ठीक है ही काउंटेड 28 लेग्स. तो उसने भी गायत्री के जैसे ही जो चिकन्स हैं उसके लेग काउंट किए तो लेग हुए 28. हाउ मैनी चिकन्स आर देयर. तो बॉक्स में कितने चिकन्स होंगे? ठीक है तो बिल्लो ने बॉक्स में चिकन रखे हुए थे उसने काउंट किए हैं 28 लेग्स. हाउ मैनी चिकन्स आर देयर. स्टूडेंट्स इस तरह के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने से पहले हमें देखना है किसकी बात कर रहे हैं. यहाँ चिकन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है एंड उसके लेग्स की बात कर रहे हैं. तो हमारे यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे. हाउ मैनी लेग्स हाउ मैनी चिकन्स. इस क्वेश्चन के लिए हम चिकन्स, यहाँ पे कैट लिखा है यहाँ पे हम चिकन्स वर्ड यूज करेंगे. अ चिकन हैज टू लेग्स. ये हमें पहले से ही पता है कि जो चिकन है उसके टू लेग्स होते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया उस तरीके से हम यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनाएंगे. हाउ मैनी लेग्स हाउ मैनी चिकन्स. वन चिकन टू लेग्स. टू चिकन फोर लेग्स है ना स्टूडेंट्स. देखिए यहाँ पे हमने देखा कि टू लेग्स कितने लेग्स हैं? टू लेग्स. तो हम यहाँ पे
टू का जो टेबल है वो कंटिन्यूस में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो नंबर्स, हाउ मेनी चिकन्स में, टू थ्री जार सिक्स, टू फोर जार एट, ऐसे। हाँ स्टूडेंट्स, टू फाइव जार टेन, तो ये है वो नंबर ऑफ चिकन्स हैं। और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ लेग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूस में लिखते हैं तो लास्ट में आता है 14 चिकन्स एंड लेग्स कितने हुए 28, ओके। सी स्टूडेंट्स, अगर आपको टेबल की बात समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ है टू लेग्स, तो ये आप यहाँ पे प्लस करते जाएंगे, ठीक है। टू आप प्लस टू करेंगे तो फोर आएगा, जो भी आंसर आया इसमें आप अगेन प्लस टू करेंगे, जो भी आंसर आया इसमें आप अगेन प्लस टू करेंगे, ठीक है। टू प्लस टू करेंगे तो फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, आप इस तरीके से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और हाउ मेनी चिकन्स में नंबर ऑफ चिकन्स है उसको इनक्रीज करते जाना है, ओके। क्वेश्चन में हमें पूछा था हाउ मेनी चिकन्स आर देयर, कितने चिकन्स होंगे, लेग्स है 28, तो चिकन्स होंगे 14, तो आर आंसर इज 28 लेग्स मीन 14 चिकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला हैज नॉट गोन टू स्कूल फॉर 21 डेज, जो लीला है वो 21 डेज स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, वो 21 डेज स्कूल नहीं गई, कितने डेज 21 डेज, तो मैंने आपको जैसे चिकन्स में बताया था यहाँ पे हम डेज, ओके। नेक्स्ट होगा हमारा, फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज सी अवे फ्रॉम स्कूल, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे वीक्स की, 21 डेज स्कूल नहीं जा रही है, तो हाउ मेनी वीक्स, तो कितने वीक्स होंगे स्कूल में वो नहीं गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो होगा एक डेज का एंड दूसरा होगा वीक्स का, ओके। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, ये तो हमें पता ही है कि वन वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, मैंने आपको जैसे बताया वैसे हम यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनाएंगे, हाउ मेनी डेज हाउ मेनी वीक्स, ठीक है। तो वीक में वन लिखेंगे, वन वीक मीन्स 7 डेज, टू वीक मीन्स 14 डेज, अगर टू वीक्स में 14 डेज आते हैं, ये हमें कैसे पता चला, मैंने आपको दो मेथड बताया उससे ही ट्राई करेंगे। यहाँ पे 7 डेज ले रहे हैं तो हम 7 का टेबल मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 7 थ्री ज़ा 21, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, 7 है उसमें हम यहाँ पे जो नंबर हम ले रहे हैं सेम नंबर हम प्लस करते जाएंगे, 7 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 14, 7 डेज है तो 1 वीक, 14 डेज है तो 2 वीक, तो जो वीक्स में हम नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, और यहाँ पे प्लस 7 ऐसे भी कर सकते हैं और 7 के टेबल से भी कर सकते हैं, ठीक है। 21 7 के टेबल में कहाँ आता है, 3 टाइम आता है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो 21 डेज मीन 3 वीक्स, ओके स्टूडेंट्स।